सिरोही पर अधिकार करने के बाद में छात्रों जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा ने जो अगला विजय अभियान जारी किया छात्रों वो था उनका मंडोर व सोजत पर विजय, मंडोर व सोजत पर विजय, मंडोर मंडोर व छात्रों मंडोर व सोजत से पहले हम देखते हैं छात्रों की बूंदी पर विजय, बूंदी बूंदी पर विजय छात्रों 1436 ईस्वी आबू सिरोही से भी पहले बूंदी पर विजय कर चुका था 1426 ईस्वी छात्रों बूंदी में बूंदी के शासक थे छात्रों ये थे भान तथा बिराव बेरीसाल, भान बेरीसाल व भान बूंदी के शासक थे, कहां के शासक, बूंदी के शासक। इन्होंने मेवाड़ के ऊपरमाल मांडल, ऊपरमाल मांडलगढ़ के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया छात्रों, बिजोलिया जहाजपुर, बिजोलिया जहाजपुर पर अधिकार। छात्रों बूंदी के शासक कौन थे, बेरीसाल वे भाण बूंदी के शासक थे, इन्होंने क्या किया मेवाड़ के ऊपरमाल मांडलगढ़ बिजोलिया जहाजपुर पर अधिकार कर लिया था। महाराणा मोगल के समय के अंदर थोड़ी मेवाड़ की स्थिति नाजुक थी तो उससे की स्थिति का फायदा उठाया और इन्होंने क्या किया मेवाड़ के ऊपरमाल का जो पठारी क्षेत्र है, मांडलगढ़ का किला है तथा बिजोलिया का जो क्षेत्र है, जहाजपुर का क्षेत्र है, इस इन क्षेत्रों पर बूंदी के इन राजाओं ने क्या किया कि अधिकार कर लिया। महाराणा कुंभा ने क्या किया, क्योंकि महाराणा कुंभा ने 1436 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने 1436 ईस्वी में बेरीसाल व भान को पराजित किया, बेरीसाल व भान को पराजित किया किसे पराजित किया, बेरीसाल विभान को इन्होंने क्या किया पराजित कर दिया। छात्रों गागरोन विजय, गागरोन विजय महाराणा कुंभा ने गागरोन के प्रसिद्ध दुर्ग, गागरोन के जल दुर्ग पर विजय प्राप्त की, पर विजय प्राप्त की, गागरोन के जल दुर्ग पर इन्होंने क्या किया विजय प्राप्त की। छात्रों पूर्वी राजस्थान पर विजय, पूर्वी राजस्थान राजस्थान पर विजय छात्रों पूर्वी राजस्थान के अंदर चौहान वंश का जो पतन हो गया, मतलब पूर्वी राजस्थान के अंदर महामेर, रणथंभौर, अजमेर, अलवर, मेवात, आमेर, रणथंभौर, अलवर, मेवात, चाकसू पर विजय प्राप्त की, चाकसू पर विजय छात्रों चौहान वंश का पतन हो चुका था। चौहान वंश के पतन के बाद में जो मुस्लिम थे ठीक है पर विजय की और यहाँ के और मुस्लिम शासकों को पराजित किया, मुस्लिम शासकों को पराजित किया छात्रों पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो आमेर, रणथंभौर, अलवर, मेवात, चाकसू पर विजय प्राप्त की और मुस्लिम शासक थे, इन मुस्लिम शासकों को यहाँ से पराजित किया। छात्रों चौहान वंश का जब पतन हुआ, चौहान वंश के पतन अर्थात जो चौहान वंश का चौहान काल के अंदर जो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे, चौहान राजाओं के अंतर्गत आते थे, जब चौहान वंश का पतन हो गया उसके बाद में जो तुर्क थे, तुर्क आक्रमणकारियों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, कहां कहां पर किया, आमेर पर, रणथंभौर पर, अलवर पर, मेवात, चाकसू पर,
जो उन्होंने कब्जा कर लिया। माराणा कुंभा ने क्या किया, इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और इन क्षेत्रों से मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम जो शासक थे, उनको पराजित कर दिया और मेवाड़ की, मेवाड़ साम्राज्य की, मेवाड़ की सत्ता यहाँ पर स्थापित की। तो इस प्रकार से पूर्वी राजस्थान के अंदर आमेर, रणथंभौर, अलवर, मेवाड़, चाकसू पर विजय और मुस्लिम शासकों को इन्होंने क्या किया, पराजित किया। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो मेरों का दमन मेरों का दमन छात्रों, मेरों का नेता था बदनोर कहाँ था, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ था छात्रों, भीलवाड़ा, बदनोर के मेरों के नेता मुनीर को पराजित किया। महाराणा कुंभा ने क्या किया छात्रों, महाराणा कुंभा ने बदनोर, जो भीलवाड़ा का बदनोर नामक स्थान है, ये मेरों का प्रसिद्ध केंद्र बताया जाता था। मेर जो नेता था मुनीर, ये यहाँ की आम पब्लिक को परेशान करता था, लूटपाट करता था, आए दिन तथा अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने बदनोर के मेर प्रदेश पर आक्रमण किया और इन मेर प्रदेश के जो नेता है, मेर क्षेत्र का जो नेता था मुनीर, इसे क्या किया, इसका दमन किया, इसे युद्ध में मार डाला। वागड़ पर विजय छात्रों, महाराणा कुंभा ने डूंगरपुर के राजा गोपीनाथ को युद्ध में पराजित किया। छात्रों, वागड़ डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ क्षेत्र के जो डूंगरपुर के राजा थे गोपीनाथ, इनको युद्ध में पराजित किया और डूंगरपुर पर भी महाराणा कुंभा ने क्या किया, अधिकार कर लिया, अर्थात संपूर्ण वागड़ क्षेत्र पर भी महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। छात्रों, इसके बाद में जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने जो मंडोर व सोजत विजय छात्रों, मंडोर व सोजत विजय ये कब की गई, ये अब मंडोर व सोजत विजय छात्रों, तो महाराणा कुंभा ने क्या किया, महाराणा कुंभा मंडोर व सोजत, तो यहाँ का राजा कौन है छात्रों, राव जोधा राठौर। महाराणा कुंभा ने राणा चूंडा के नेतृत्व में मंडोर व सोजत पर विजय प्राप्त की। मंडोर व सोजत पर विजय प्राप्त की। आवल भावल की संधि। आवल भावल की संधि छात्रों, जो आवल भावल की संधि थी ये 1453 ईस्वी में हुई और इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल
सिसोदिया से करवा दिया, राजमहल सिसोदिया से करवाया। छात्रों सोजत में मंदोर में सोजत पर विजय महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने जो राणा चुंडा के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और राणा चुंडा ने सोजत दुर्ग पर विजय प्राप्त करी और मंदोर के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और वहां से एक हनुमान जी की जो चमत्कारी मूर्ति थी वो लेकर मेवाड़ आ गया और कालांतर में उसे कुंभलगढ़ के किले के अंदर स्थापित किया गया। छात्रों ये जो युद्ध हुआ इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर राव जोधा राठौड़ था जो मंदोर का शासक था, ये पराजित हो गया छात्रों। और ये जब पराजित हो जाता है तब जो राव जोधा की बुआ है कौन है, हंसाबाई है, तथा महाराणा कुंभा की जो दादी है वो कौन है, हंसाबाई है। तो हंसाबाई महाराणा कुंभा को आदेश देती है कि जोधा का राज्य लौटा दीजिए, तो महाराणा कुंभा उनके आदेश को मानता है और जोधा को मंदोर तथा सोजत लौटा देता है। परंतु एक संधि होती है जो इतिहास के अंदर आंवल भावल की संधि कहलाती है, कौन सी छात्रों, आंवल भावल की संधि। आंवल भावल की संधि कब होती है, 1453 ईस्वी में, कब होती है 1453 ईस्वी में। एक तरफ आंवल का पेड़ है जिसका आंवले का पेड़ है, एक तरफ बबूल का पेड़ है, इसका बबूल का पेड़ है। तो आंवले के पेड़ वाली जो सीमा ये किसकी, मेवाड़ की सीमा है, मेवाड़ की सीमा। जहां पर आंवले का पेड़ खड़ा है वो सीमा कौन सी होगी, मेवाड़ की। और जहां पर बबूल का पेड़ खड़ा है छात्रों, कौन सा बबूल का पेड़, वो किसकी सीमा होगी, मारवाड़ की सीमा। इस प्रकार से जो आंवले के पेड़ तथा बबूल के पेड़ को लेके मेवाड़ तथा मारवाड़ की जो सीमाओं का निर्धारण किया गया वो संधि इतिहास में आंवल भावल की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन सी संधि छात्रों, आंवल भावल की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा जोधपुर के राजा राव जोधा के मध्य ये संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत छात्रों राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल सिसोदिया से करवा दिया। किससे करवाया, रायमल सिसोदिया से करवाया। छात्रों इस प्रकार से महाराणा कुंभा का प्रभाव मंदोर तथा सोजत पर भी हो गया। इसके बाद में छात्रों जो महाराणा कुंभा की अगली विजय वो है गुजरात विजय। अगली विजय कौन सी थी छात्रों, गुजरात विजय, गुजरात विजय, गुजरात विजय। छात्रों इस गुजरात विजय से पहले नागौर विजय देखते हैं छात्रों, कि नागौर का संबंध क्या है कि गुजरात से, यहाँ पर नागौर विजय। छात्रों महाराणा कुंभा के समय में अंदर नागौर के अंदर दो भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। कितने भाइयों चल रहा था, दो भाइयों के अंदर। यहाँ पर क्या छात्रों कि दो भाइयों के अंदर संघर्ष चल रहा है, शम्स खां और नासिरुद्दीन। इन ये दोनों भाई ये छात्रों, इन दोनों भाइयों के अंदर भाई ये दोनों कौन, शम्स खां तथा नासिरुद्दीन दोनों भाई ये, और दोनों भाई जो नागौर की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। शम्स खां ने जो महाराणा कुंभा से सहायता मांगी और उनको कहा कि यदि आप मेरी सहायता कर देंगे तो आजीवन मैं आपका सामंत बना रहूंगा और विपत्ति के समय में मैं आपको सहयोग प्रदान करूंगा और मैं आपको टैक्स भी दूंगा छात्रों। तो महाराणा कुंभा ने शम्स खां की मदद करी और शम्स खां को नागौर का शासक बनवा दिया। कहाँ का शासक बनाया, नागौर का शासक बना दिया। परंतु उस शासक बनने के बाद में शम्स खां तो भूल भाल गए, अर्थात महाराणा कुंभा की जो शर्तें थी जैसे गायों की हत्या नहीं करेगा, तो शम्स खां गायों की हत्या करने लग गया, हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ेगा, हिंदू पब्लिक को परेशान नहीं करेगा। शम्स खां हिंदू मंदिरों को तोड़ने लग गया, हिंदू पब्लिक को परेशान करने लग गया। इसके अतिरिक्त शम्स खां ने कह दिया कि अब कौन सा कर, हम तो महाराणा कुंभा को जानते ही नहीं है और कोई टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं मिलेगा महाराणा कुंभा को। तो इस प्रकार से छात्रों जो महाराणा कुंभा ने शम्स खां को नागौर का शासक बनाया, परंतु इस शम्स खां ने संधि की सभी शर्तें तोड़ दी। तब महाराणा कुंभा ने क्या किया, जो महाराणा कुंभा के छात्रों, महाराणा कुंभा ने 1458 ईस्वी कब किया छात्रों, 1458 ईस्वी के अंदर नागौर पर अटैक किया। महाराणा कुंभा ने नागौर पर अटैक किया और इस शम्स खां जो नागौर का जो नवाब था शम्स खां, इसको पराजित कर दिया। और ये शम्स खां यहाँ से भाग कर कहाँ चला गया, गुजरात चला गया। कहाँ गया, गुजरात। तथा गुजरात के सुल्तान था
कुतुबुद्दीन गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ में मिलकर और महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। तो छात्रों इसमें क्या था कि नागौर पर विजय क्यों की गई, शम्स खान तथा नासुरुद्दीन नाम के दो भाई आपस में लड़ रहे थे और किसके लिए लड़ रहे थे, नागौर की गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। तब शम्स खान ने महाराणा कुंभा से सहायता मांगी और कहा कि आप यदि मुझे नागौर का शासक बना देंगे तो मैं आजीवन जो आपका सामंत बन के रहूंगा और आपको टैक्स दूंगा और आप जो भी संधि की शर्तें देंगे उनको मैं पूरी करूंगा। महाराणा कुंभा ने नागौर का शासक शम्स खान को बना दिया और कहा कि गायों का वध नहीं करेगा, हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा नहीं तथा हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाएगा नहीं। इसने सब मान लिया, परंतु कुछ समय बाद में इसने क्या किया कि गायों की हत्या करनी प्रारंभ कर दी, हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया तथा इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और इसने कहा कि महाराणा कुंभा को मैं जानता ही नहीं हूँ और कोई टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं मिलेगा और टैक्स देना भी बंद कर दिया। जब राणा कुंभा को इन बातों का पता चला तो राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में आक्रमण किया शम्स खां पर और शम्स खां को क्या किया, पराजित कर दिया और शम्स खां भाग कर कहां पहुंच गया, गुजरात के सुल्तान के पास में पहुंच गया। अब छात्रों अब राणा कुंभा का जो युद्ध होगा वो किससे होगा, गुजरात विजय, महाराणा कुंभा अब गुजरात पर विजय करेंगे। छात्रों गुजरात का सुल्तान कौन है, कुतुबुद्दीन। गुजरात का सुल्तान कौन है, कुतुबुद्दीन। गुजरात का सुल्तान छात्रों कुतुबुद्दीन। तो छात्रों गुजरात पर विजय करता है कौन, करता है महाराणा जो कुंभा है गुजरात पर आक्रमण करता है, गुजरात के सुल्तान तथा गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन। और ये भाग कर कहां पहुंचा था, गुजरात पहुंच गया था, कौन पहुंचा था, ये नागौर का था, ये कुतुबुद्दीन प्लस शम्स खां, शम्स खां इन दोनों की सेना है। किसकी सेना है, ये शम्स खां जो नागौर का भगोड़ा है, नागौर से भागा हुआ ये जो शासक है ये, और ये कुतुबुद्दीन है, ये कौन है, ये कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक है। इन दोनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया, राणा कुंभा पर आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया राणा कुंभा पर आक्रमण किया, परंतु राणा कुंभा ने इन दोनों को पराजित कर दिया और गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से छात्रों महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन तथा जो शम्स खां दोनों की सम्मिलित सेना को पराजित करके गुजरात पर विजय प्राप्त की। छात्रों अब जो महाराणा कुंभा का मुकाबला होता है वो होगा मुकाबला मालवा के सुल्तान, मालवा तथा महाराणा कुंभा, मालवा तथा महाराणा कुंभा, मालवा तथा महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। छात्रों मेवाड़ मालवा का शासक कौन है, महमूद खिलजी, खिलजी प्रथम, कौन है, महमूद खिलजी प्रथम। छात्रों इस महमूद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ पर राणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण, किसका आक्रमण होता है, ये महमूद खिलजी का मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण करता है और महाराणा कुंभा इसे 5 बार पराजित कर देते हैं। 5 बार जो इसे पराजित करते हैं, किसे करते हैं, इस महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर देते हैं छात्रों। और अब जो 1437 ईस्वी का समय आ गया है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध हो रहा, कहाँ हो रहा है, सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य होता है छात्रों, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम तथा महाराणा कुंभा इन दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध है इसके अंदर छात्रों कि मालवा का सुल्तान है, मालवा के सुल्तान को बुरी तरह पराजित करता है और मालवा के सुल्तान को पकड़कर चित्तौड़गढ़ के अंदर 6 महीने तक बंदी रखता है, कहाँ, इसे बंदी बना लेता है, किसको, खिलजी को, महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा चित्तौड़ के किले में, कहाँ, चित्तौड़गढ़, 6 महीने चित्तौड़गढ़ में 6 महीने तक बंदी बनाता है, बंदी बनाता है। छात्रों सारंगपुर का युद्ध कब होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके न्यूटेप में पूछ रहता है ये सारंगपुर, तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा दो लाइन के अंदर कि 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, इस युद्ध में महमूद खिलजी पराजित होता है। छात्रों जो ये युद्ध है मालवा तथा
मालवा के सुल्तान और महाराणा कुंभा के मध्य 1437 में महाराणा कुंभा क्या करते हैं, इसे बुरी तरह पराजित करते हैं। चित्तौड़ के किले के अंदर इसे 6 महीने तक बंदी बनाकर रखते हैं और आखिर में इसे छोड़ देते हैं। छात्रों इसी खुशी के अंदर सहारनपुर के जो युद्ध हुआ, छात्रों इस युद्ध के अंदर विजय की खुशी को लेकर, इस युद्ध विजय की खुशी को लेकर विजय स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण कहां करवाते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन करवाता है, महाराणा कुंभा। सहारनपुर युद्ध में विजय की खुशी को लेकर ये क्या करते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कहां पर करवाते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाते हैं। छात्रों इसके बाद में जो अब महाराणा कुंभा पर अब आक्रमण कर रहा है, मालवा तथा गुजरात दोनों के सुल्तान साथ में हो गए हैं और अब महाराणा कुंभा पर ये आक्रमण करेंगे। मालवा तथा गुजरात के सुल्तान, मालवा तथा गुजरात का संयुक्त आक्रमण। छात्रों मालवा का सुल्तान कौन है, महमूद खिलजी। गुजरात का कौन है, कुतुबुद्दीन। कौन है, कुतुबुद्दीन। तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों किस पे आक्रमण करते हैं, महाराणा कुंभा पर। छात्रों महाराणा कुंभा पर आक्रमण हो रहा है और विजय कौन हो रहा है, विजय महाराणा कुंभा क्या हुए, इसमें विजय हो गए छात्रों। और इनकी जो दोनों सम्मिलित सेना को महाराणा कुंभा ने क्या किया, पराजित कर दिया। और विजय की खुशी के अंदर बदनौर कहां था, भीलवाड़ा के अंदर आता है, बदनौर में कुशला माता मंदिर का निर्माण किस लिए करवाया, ये करवाया महाराणा कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की दोनों की संयुक्त सेना, जो महमूद खिलजी प्रथम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों की संयुक्त सेना थी, इन संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसी खुशी के अंदर भीलवाड़ा के बदनौर नामक स्थान पर कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। छात्रों इसमें जो मालवा तथा गुजरात है, इसने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले, अर्थात जो महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने से पहले एक संधि की थी 1456 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संधि, आपके मुटैब में पूछ जाती है, 1456 ईस्वी जब एक संधि की थी। और ये संधि इतिहास के अंदर चंपानेर की संधि के नाम से, कौन सी, चंपानेर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो 1456 ईस्वी में मालवा तथा गुजरात के शासकों ने ये संधि की तथा कहा कि संयुक्त रूप से जो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे और महाराणा कुंभा को पराजित करेंगे। परंतु मामला उल्टा पड़ गया यहाँ पर और महाराणा कुंभा ने क्या किया, इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और पराजित करके क्या किया, बदनौर में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। छात्रों महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते ही इनके समक्ष जो कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, जैसे चाचा मेरा और महपा पंवार इनकी कठिनाइयां, इनका चाचा भी मेरा की हत्या कर देते हैं, महपा पंवार भागकर मांडू के सुल्तान की, मांडू का मतलब क्या है छात्रों, मालवा प्राचीन समय मध्य प्रदेश प्राचीन समय में मालवा के नाम से जाना जाता था। और मालवा की जो राजधानी थी मध्यकाल के अंदर जो मालवा की राजधानी थी वो थी मांडूगढ़। छात्रों तो ये भागकर वहां चला जाता है। खेमकरण की समस्या, ये सोतेला भाई था महाराणा कुंभा का, और खेमकरण को पराजित करके बड़ी सादगी से भगा देता है ये, और ये भी मांडूगढ़ चला जाता है। छात्रों रणमल राठौड़ की प्रेमिका थी भारमली, उसको महाराणा कुंभा अपनी तरफ मिला लेता है और रणमल राठौड़ की जो हत्या करवा देता है। तो ये तीनों प्रकार समस्या थी, इसका समाधान करता है। इसके बाद में आबू तथा सिरोही पर विजय प्राप्त करता है
पूर्वी राजस्थान के अंदर ये चाकसू, जिसे प्राचीन समय में चाकसू के नाम से भी जाना जाता था, तो चाकसू पर विजय प्राप्त करता है, आमेर पर विजय प्राप्त करता है, अलवर तथा मेवात के प्रदेश पर विजय प्राप्त करता है, रणथंभौर पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पूर्वी राजपुताना को ये मेवाड़ के अधीन कर देता है। छात्रों, इसके बाद में जो बदनौर नामक स्थान है वहां पर मेवात क्षेत्र अलग चीज है। छात्रों, मेर का क्षेत्र कहाँ है? ये भीलवाड़ा जिले की बदनौर के आसपास की पहाड़ियों का क्षेत्र है। यहाँ का नेता है मुनीर। कौन है? मुनीर। उसे पराजित करता है राणा कुंभा, और इसके बाद में राणा कुंभा नागौर के शासक शम्स खां को पराजित करता है, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को पराजित करता है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करता है, और इसके बाद में गुजरात तथा मालवा की ये सम्मिलित सेनाएं, इन सेनाओं को भी ये पराजित कर देता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने क्या किया कि संपूर्ण राजपुताना के साथ साथ में गुजरात तथा मालवा पर भी विजय प्राप्त की। महाराणा कुंभा के शासनकाल में किसी भी दिल्ली के सुल्तान की इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेवाड़ पर आक्रमण कर सके, अर्थात राजपुताना पर वो आक्रमण कर सके। इस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे। छात्रों, महाराणा कुंभा की मृत्यु। अब छात्रों, महाराणा कुंभा की जो मृत्यु है वो किस प्रकार से होती है? महाराणा कुंभा एक महान शासक थे, परंतु इनकी जो हत्या है, इन्हीं का पुत्र था उदा, राणा उदा, उसने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। छात्रों, वो किस प्रकार से करता है देखते हैं। छात्रों, इसमें महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की हत्या। तो छात्रों, ये जो महाराणा कुंभा की हत्या होती है कब होती है? 1468 ईस्वी। कहाँ होती है? 1468 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? मामादेव कुंड, जिसे मामदेव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मामदेव कुंड। छात्रों, मामदेव कुंड के किनारे, मामदेव कुंड के किनारे महाराणा कुंभा की पीछे से कटार घोंपकर हत्या कर दी गई। राणा कुंभा की हत्या कुंभा के पुत्र उदा ने की। छात्रों, कहा जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा ये अपने अंतिम समय के अंदर उन्मादी रोग से, कौन से रोग? उन्मादी। कौन सा रोग था छात्रों? उन्मादी रोग से ये ग्रसित हो चुके थे, और 1468 ईस्वी में महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। कहां पर? मामदेव कुंड भी कहा जाता है, मामदेव कुंड के किनारे बैठ गए, ये भगवान शिव की ये भक्ति कर रहे हैं, और पीछे से महाराणा कुंभा का जो पुत्र है उदा, उसने कटार घोंप कर महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। छात्रों, महाराणा कुंभा की छत्री कहाँ पर है इसकी? महाराणा कुंभा की कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ कहाँ पर आता है? राजसमंद के अंदर आता है। छात्रों, तो इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में जो इनका अंतिम संस्कार करवाया गया, और अंतिम संस्कार करवाने के बाद में छात्रों इनकी छत्री का निर्माण हुआ। वो छत्री का निर्माण कहाँ हुआ? वो हुआ कुंभलगढ़ के किले के अंदर। तो इस प्रकार से छात्रों, जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा की ये हत्या कर दी गई। मेवाड़ के इतिहास में जो महाराणा कुंभा थे, सर्वाधिक 108 उपाधि धारण करने वाले, कितनी उपाधि कि 108 उपाधि धारण की। छात्रों, इस प्रकार की इतनी उपाधियां राजस्थान की किसी भी शासक ने जो ग्रहण नहीं की। छात्रों, जो स्थापत्य कला के जनक के रूप में
तथा अभिनव भरताचार्य के की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, शेल गुरु, परम गुरु, राव राय, राणे राय, राणे रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भरताचार्य, महाराणा, राणा, महाराजा धीराज, इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां जो महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई। तो छात्रों, तो अब हम महाराणा कुंभा के जो कला संस्कृति में इनका जो योगदान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।